कुल्लू जिला में बर्फबारी के कारण लोक निर्माण विभाग के कुल्लू डिवीजन में 1,70,00,000 रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया है। लोक निर्माण विभाग की मशीनरी ऊंचे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को बहाल करने का कार्य कर रही है। अधिकतर सड़कों में छोटे वाहनों की आवाजाही आरंभ हो गई है। कुल्लू जिला में बर्फबारी के कारण भारी नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग कुल्लू डिवीजन के एक्सिन एसके धीमान ने बताया कि कुल्लू डिवीजन में भारी बर्फबारी के चलते करीब 1,70,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान भुंतर, मणिकरण और छरोड़ नाला, कशाबरी सड़क और लगघाटी की थाच माशणा सड़क को हुआ है। उन्होंने कहा कि बर्फबारी और भूस्खलन के चलते कुल्लू डिवीजन में 3 सड़कों पर बड़े वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। उन्होंने कहा कि भुंतर मणिकरण सड़क पर सरसाड़ी के पास पार्वती नदी के किनारे लगातार हो रहे भूस्खलन से सड़क धंस रही है। एसके धीमान ने कहा कि कुल्लू डिवीजन की 3 सड़कों में भूस्खलन के कारण यातायात सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। बर्फबारी में हमारे कुल्लू मंडल में लगभग 170,00,000 का आकलन किया गया है, जिसमें मेजर जो है वो डैमेजेस भुंतर मणिकरण रोड में और छरोड़ नाला कशाबरी रोड पर पार्वती नदी में भूस्खलन होने के कारण हो रहा है, जो कि लगातार है। इसके बारे में हमने स्टेट जर्नलिस्ट को भी लेटर लिखी है ताकि वो अपनी सुजेशन दे, ताकि उसी अनुसार जो है वो हम जो है वो प्रोटेक्टिव मेजर लगा सकें। अभी तक इस मंडल में छोटी गाड़ियों के लिए तो सड़कें हम खोल रहे हैं, बस से जो है वो 3 रोड पे नहीं जा पा रही है। अभी एक है हमारी कशाबरी रोड और दूसरी है रतोचा रोड और तीसरी थाच माशणा रोड। स्नोबाउंड एरिया में हमारी ये हाई एल्टीट्यूड के मणिकरण साइड बेल्ट है, इसमें नुकसान हो रहा है। और इधर लग वैली का एरिया है जिसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और इसमें जो है वो 4-5 मशीनें जो है लगी, एक डिपार्टमेंट की भी है लगी हुई, 2-3 मशीनें। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।